हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसका ऑफिशियल नोटिस रेलवे बोर्ड द्वारा इससे एक दो दिन पहले ही दिया जा चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ आई है, 4 साल बाद रेलवे में 5,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। इसके बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट डर रहे हैं कि भाई उनकी जो जॉब है वो अब नहीं आएगी, 2023 में जो एलपी की वैकेंसी आने वाली थी अब तो वेटिंग से भर ली गई हैं, तो आप लोग इस फंडे को समझ लो और फिर उसके बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतने दिन तक इसकी लड़ाई लड़ी है, और वो मेडिकल उन लोगों ने पहले भी दिया था, अब उन लोगों को दोबारा मेडिकल देना पड़ रहा है, लेकिन उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी अगर उन लोगों ने इस बार मेडिकल को क्वालिफाई कर लिया तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, 64,000 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। अब आप समझना कि ये वाली वैकेंसी और आपकी वैकेंसी दो डिफरेंट चीजें हैं, आपका इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। 64,000 वैकेंसी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों का सिलेक्शन इधर उधर हो गया है, या उन्होंने कोई और जॉब ज्वाइन कर लिया है, स्टेट में हो गया किसी का, घर के पास हो गया है, इसलिए उन लोगों ने ये नौकरी छोड़ दी है या इससे बड़ी उन लोगों को नौकरी मिल गई है, तो ये पद खाली पड़े हैं। दूसरी चीज, अब जब पद खाली हैं उसी वैकेंसी के और बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में हैं, मतलब उन लोगों ने मेडिकल भी दे दिया, साइको भी दे दिया, सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों ने जब दबाव बनाया तो ऊपर से रेलवे बोर्ड की ओर से सारे जोनल रेलवेज को, सारे DRMs को एक नोटिस भेजा गया कि भाई आप लोग बताइए जो 64,000 वैकेंसी थी उसमें आप लोगों के पास कितने रिक्त पद हैं, कितने लोगों ने छोड़ दी है, क्या है जिससे कि हम लोग इन लोगों को उठा सकें। तो अभी क्या है, रेलवे को ज़रूरत भी पड़ रही है, ठीक है, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं, लगातार ये लोग गए भी हैं, तो इसकी वजह से हुआ यह है कि 5,000 से ज़्यादा लड़कों के ALP में दोबारा से मेडिकल होंगे। इन लोगों को ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इन लोगों को दोबारा से मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। अगर ये मेडिकल क्लियर करते हैं तो इन लोगों का क्लियर हो जाएगा, यही नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 साल बाद रेलवे में 5,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, परीक्षार्थियों का फिर से मेडिकल और फिट मिले तो नौकरी पक्की, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं नई भर्ती की। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब 2018 में नोटिफिकेशन आया था तो आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए ना कि बहुत सारे स्टूडेंट की 2017 में ज्वाइनिंग हुई है, बहुत सारे ALP की जो इस टाइम पे सीनियर ALP हैं उनसे आप पूछ के देखना, उनकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई है, जो 14 की वैकेंसी थी। इवन 18 की स्टार्टिंग तक भी, जनवरी तक भी बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी का क्या फंडा है। तो देखो, कोई भी जब वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे 2018 में जब वैकेंसी निकाली गई 64,000, जब आपके पास 64,000 वैकेंसी 18 में जब आप लोगों के लिए वैकेंसी आई, तो आप विश्वास मानिए 2014 से कोई वैकेंसी आई नहीं थी। तो 2014 से 18 के बीच जितनी वैकेंसीज खाली हुई, एक तो उस चीज का डाटा, मान लीजिए आपके पास 20,000 खाली हुई और उन्हें पता है कि हम 18 में निकाल रहे हैं और ये वैकेंसी हम 20 तक कंप्लीट करेंगे, 21 तक कंप्लीट करेंगे, तो 21 तक जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उन लोगों का डेटा। अब आप लोग कहोगे रिटायर तो होगा LPM, तो ALP की वैकेंसी क्यों आएगी। अब देखो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस वैकेंसी के अंदर है। इस वैकेंसी का फंडा ये है कि चाहे LPG रिटायर हो, चाहे LI रिटायर हो, जो भी रिटायर होगा, भर्ती जो निकलेगी वो ALP की ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी का फंडा सबसे अलग चलता है। देखो, चाहे JEE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इनका एक बार को ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट AE आ जाए, IES के थ्रू डायरेक्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर आ जाए, तो JEE की वैकेंसी कम हो जाएंगी जब डायरेक्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर आ जाएगा, तो क्योंकि नीचे से प्रमोशन वाले जब जाते सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए तभी तो JEE के पद खाली होते। अब हो क्या रहा है, सिर्फ रिटायरमेंट वाले पद बचेंगे, लेकिन ALP की वैकेंसी में ऐसा नहीं होता। देखो, ALP का फंडा समझो, ALP सीनियर, ALP सेंटर, ये इनका क्रम है, LPG मतलब लोको पायलट गुड्स, देखो ALP होता है, सीनियर ALP क्या होते हैं, एक्सप्रेस पैसेंजर में चलते हैं ये लोग, ये गुड्स में चलते हैं ज़्यादातर। सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर जो होता है उसका काम होता है स्टेशन पे ही ट्रेन के इंजन को इधर उधर लगाना, कि यहाँ से हटा के उस वाले इंजन को लगाना, मतलब इधर उधर घुमाते रहते हैं ये बस। LPG की बात करें तो ये गुड्स ट्रेन के लोको पायलट हैं, और ये पैसेंजर के हैं, और ये मेल के हैं, और लोको इंस्पेक्टर की बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो 4600 ग्रेड पे का पद है। फिलहाल अब आप बात सुनिए, मान लीजिए सीनियर ALP को सेंटर बनाया या सेंटर को LPG बनाया, तो ओवरऑल पोस्ट किसकी खाली हुई, ALP की ना। क्यों? क्योंकि जब सीनियर ALP सेंटर बनेगा, सेंटर LPG बनेगा, तो ALP सीनियर ALP बनेगा, मतलब ओवरऑल जो पद खाली होंगे वो सीनियर, वो ALP के ही खाली होंगे, चाहे लोको पायलट मेल
रिटायर हो, चाहे लोको पायलट पैसेंजर रिटायर हो या प्रमोशन ले, पद एक ही खाली होगा इनिशियल लेवल पे, और वो एकमात्र पद है कौन सा, एएलपी का। अब वैकेंसी कैसे निकलती है वो चीज समझिए। तो ये कारण है ज्यादा वैकेंसी आने का कि एक ही पद पे ज्यादा क्यों वैकेंसी आती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी नहीं आती। बाकी चीजों में होता है असिस्टेंट इंजीनियर की आ गई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की आ गई, जेई की आ गई, यहाँ पे एक ही वैकेंसी आएगी क्योंकि ऊपर चढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एएलपी। इसके अलावा डायरेक्ट कोई भी आदमी एलपीएम नहीं बन सकता, डायरेक्ट कोई भी आदमी एलआई नहीं बन सकता, इसलिए यहां से नीचे से सीढ़ी चढ़ के जाएगा तभी वो वहां तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं वैकेंसी आएगी कैसे, 2023 की वैकेंसी बात करते हैं। 2018 से लेके 23 तक कुछ वैकेंसी तो खाली हुई होंगी। अब आपको लग रहा है कि क्या सिर्फ 5000 वैकेंसी खाली हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैकेंसी बहुत ज्यादा खाली हुई है, मतलब बहुत ज्यादा रिटायर भी हुए हैं और बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेट की लोडिंग बढ़ रही है, जो मालगाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पैसेंजर ट्रेनें भी पब्लिक को देखते हुए लगातार बढ़ ही रही हैं, कम तो हो ही नहीं रही हैं। तो अब आप देखिए 18 से 23 तक काफ़ी वैकेंसीज, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 15,000 वैकेंसी खाली हुई। इसके बाद 18 से 22 तक और 22 से लेकर जब 23 में वैकेंसी आएगी और 23 से जब इन्हें पता है कि 25 तक हम कंप्लीट करेंगे, तो 18 से लेकर 25 तक का जितना डेटा हो गया 7 सालों में जितनी वैकेंसीज खाली हुई हैं वो आपके सामने आएंगी, जितनी वैकेंसी आएंगी। अब वो 20,000 आएंगी, 25,000 आएंगी, ठीक इसी तरीके से टेक्नीशियन की आएंगी। तो आप खुद विश्वास मानो और आप इस चीज़ को देखो कि आपको इन 5,000 वैकेंसी से हार नहीं माननी। आपको ये नहीं सोचना है कि ये 5,000 वैकेंसी आ गई तो आपकी वैकेंसी अब आना बंद हो जाएगी या आएगी, नहीं, आपकी वैकेंसी आएगी। और बिल्कुल मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने, और अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलेंगी। बस आप लोग इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। इस चैनल पे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी, क्योंकि एग्जाम मैं भी क्लियर कर चुका हूँ। एक एक चीज़ आप लोगों को जीरो से लेकर हीरो तक सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो बच्चे ग्रुप डी क्लियर करेंगे, मतलब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का प्री निकलना बिल्कुल श्योर है, क्योंकि एएलपी का प्री और ग्रुप डी के प्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है और पैटर्न भी बिल्कुल सेम है और लेवल भी लगभग लगभग सेम है। और CBT 2 की भी अगर मैं बात करूं तो CBT 2 भी बस थोड़ा सा डिफर करता है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम आपको ग्रुप डी जैसी ही मिलेंगी। इसलिए मैं आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दिलो जान से आप लोग अपने एग्जाम की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, क्योंकि ये जो एग्जाम है आप अगर ग्रुप डी निकाल लोगे ना, तो ग्रुप डी का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया हो और यहाँ पे उसका प्री क्लियर ना हो रहा हो। सेम सिलेबस है और उसकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए। इस चैनल को जिन बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके सिलेबस से लेके एक एक चीज ऐसे समझाई जाएगी, शायद आप लोगों को पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जॉब के बारे में जितना डेप्थ में मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, इसकी खूबियाँ, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप लाइन पे वर्किंग नहीं करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि स्टेशनरी जॉब है, गर्ल्स इस जॉब में आके किस तरह का काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी जाएंगी। बस आप लोग इस टाइम पे किसी और चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहिए। ग्रुप डी के बाद हम इसी एग्जाम को लेकर कूदने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसी क्षेत्र में तैयारी में आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। बस एक बार ग्रुप डी निपट जाए, और NTPC निपट ही चुका है, ग्रुप डी और निपट जाए और फिर हम LP और JEE पे कूदेंगे और बहुत अच्छे से हम इस चीज को करते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बाकी चीजों को देखते रहिए, एक एक चीज ALP से रिलेटेड आपको मिलेगी इस चैनल पे। इस चीज को आप ना मानो तो लिख लो, मैंने सैलरी स्लिप वगैरह सब डाली हुई है, जाके चैनल पे विजिट करोगे आपको सैलरी स्लिप वगैरह मिल जाएंगी, और इस जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो रह जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।